मित्र, मैं आपको सर्वांगासन के बारे में बता रहा हूं। आसनों का राजा सर्वांगासन, इसमें सारे ही आसन समाहित हो जाते हैं अगर आप सर्वांगासन को ठीक ढंग से करें। जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, जिन्हें हेयर फॉल की समस्या है, जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम है, उनके लिए सर्वांगासन बहुत लाभकारी। बस सावधानी इतनी रखनी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है तो नहीं करना। कैसे करें? ऐसे जमीन पे सीधा लेट जाएं, जमीन पे सीधा एक आसन पे लेट जाएं। खाना खाने के 3 घंटे बाद करना है, खाली पेट कभी भी कर सकते हैं। कैसे करना है? दोनों पैरों को एक साथ मिला दीजिए, दोनों हथेलियां पास में ले लीजिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, ऐसे जितना पैर उठा सकते हैं उतना उठाएं। फिर कोहनियों पर प्रेशर देते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर ले जाइए मैक्सिमम, और अपने हाथ से अपनी कमर को पकड़ लीजिए, दोनों पैर के पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए, मेरुदंड आपका जितना सीधा रहे, घुटने बिल्कुल सीधे रहे, पैर के पंजे ऊपर तक खींचे हुए। मैंने जैसे कहा, एक अभ्यास को 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक होल्ड करें। ये सर्वांगासन आप देख रहे होंगे, इससे आपके गले पर प्रेशर होता है, आपका T3, T4, TSH लेवल नॉर्मल होता है। आँखों के लिए बहुत ही बेस्ट अभ्यास है। जिन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसे ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। मिनिमम 1 मिनट होल्ड कीजिए और धीरे धीरे होल्ड को बढ़ाइए। फिर थोड़ा सा पैरों को आगे झुकाते हुए और धीरे धीरे नीचे आइए, दोनों पैरों को जमीन पर रख दीजिए और पैरों को खोलते हुए फिर विश्राम करें। श्रम के बाद विश्राम, हर आसन करने के बाद फिर थोड़ा आराम करें, अपने श्वासों को नॉर्मल गति पे आने दें, तो ही अगला अभ्यास करें। कोई जल्दबाजी ना करें, स्पीड से ना करें। व्यायाम का नियम है तीव्र गति से, प्राणायाम का नियम है मध्यम गति से, आसन का नियम है धीमी गति से। रिलैक्स रिलैक्स, यह है सर्वांगासन। मित्रों, ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत लाभकारी, थायराइड के लिए, आंखों की प्रॉब्लम के लिए, हेयर फॉल के लिए, और जिनका पेट खराब है उनको ये आसन